प्रिय छात्रों, आज हम पुनः उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में। कक्षा 12 की तीसरे लेसन को लेकर के द इंग्लिश प्रोस थर्ड लेसन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य सफलता और शक्ति का रहस्य। द लेसन हैज बीन रिटन बाय जेम्स एलन। लेसन जो है जेम्स एलन द्वारा लिखा गया है, जो एक ब्रिटेन के राइटर थी। जेम्स एलन वाज बॉर्न इन 1864, उनका जन्म 1864 में हुआ था, एंड ही डाइड इन 1912, और उनकी मृत्यु 1912 में हुई थी। ही वाज ए ब्रिटिश फिलोसॉफिकल राइटर, वो ब्रिटेन के एक दार्शनिक राइटर थी। ही बिलोंग टू ए सिंपल फैमिली, एक साधारण परिवार के व्यक्ति थे। हिज फादर वाज ए फैक्ट्री निटर, उनके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे, जो कि टेक्सटाइल फैक्ट्री थी। इन 1893 एलन अगेन मूव टू लंदन एंड लेटर टू साउथ वेल्स। फर्स्ट ही वेंट टू अमेरिका, पहले अमेरिका चले गए थे, वेयर हिज फादर डाइड आफ्टर 2 डेज ऑफ अराइविंग देयर, जब उनके पिताजी की वहाँ 2 दिन बाद मृत्यु हो गई। तो पुनः हुए 1893 में लंदन आ गए और साउथ वेल्स में रहने लगे। ही रोट मैनी बुक्स एंड पावर्टी टू पावर इज वन ऑफ देम। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से पावर्टी टू पावर उनमें से एक है। द लेसन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस ग्रेट बुक, ये पार्ट जो है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस इन पावर, उसी बुक से लिया गया है, पावर्टी टू पावर से। एज वी नो द टाइटल इज वेरी अट्रैक्टिव, टाइटल बहुत अच्छा लगता है कि सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस इन पावर, स्वास्थ्य सफलता और शक्ति का रहस्य क्या है। लेखक ने इसका वर्णन किया है, कैसे हम हेल्थी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे शक्तिशाली बन सकते हैं। वास्तव में तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं इस मानव जीवन के लिए। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कितना ये डिडैक्टिक लेसन है, कितना शिक्षाप्रद लेसन है। इन द लेसन गिवन द राइटर हैज गिवन द इम्फेसिस, लेखक ने इस पाठ में जोर दिया है दैट की एंग्री वरी जेलसी एंड ग्रीज काज मेनी डिजीजेस। ईर्ष्या क्रोध चिंता और लालच ये बहुत सी बीमारियों का कारण होती। प्लीज सी द लेसन, आई बिगेन टेक्स्ट बुक, मैं टेक्स्ट बुक शुरू करता हूँ, लेसन देखेंगे। वेयर दियर इज स्पेलिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, वेयर दियर इज स्टेलिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, दियर इज हेल्थ, दियर इज सक्सेस, दियर इज पावर, इन सच ए मैन डिजीज फेलर एंड डिसेस्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट, फॉर दियर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीट। वेयर जहाँ पर दियर इज स्टाइलिंग फेथ, जहाँ पर शुद्ध विश्वास होता है, स्टाइलिंग फेथ शुद्ध विश्वास या अडिग विश्वास होता है, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी और पूर्ण पवित्रता होती है। दियर इज हेल्थ, वहीं पर स्वास्थ्य होता है, दियर इज सक्सेस वहीं सफलता होती है, दियर इज पावर वहीं शक्ति होती है। इन द ओपनिंग लाइन्स द ऑथर बिगिंस, प्रारंभिक लाइन में शुरू की लाइन में लेखक शुरू करता है एंड गिवन इम्फेसिस और जोर देता है स्टेलिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, अडिग विश्वास पर और पूर्ण पवित्रता पर, विश्वासों की पवित्रता जोर देता है,
कि जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहीं पर स्वास्थ्य होता है, वहीं सफलता मिलती है, वहीं शक्ति होती है। इन सच ए मैन डिजीज फेलर एंड डिसेस्टर कैन फाइंड नो लाजमेंट। ऐसी दशा में किसी व्यक्ति को बीमारी, असफलता और विनाश या डिसेस्टर विनाश कैन फाइंड नो लाजमेंट माने वहाँ पर कोई निवास स्थान नहीं पा सकता है। इन सच मैन अर्थात जिस व्यक्ति के पास ये दोनों चीज़ें होंगी, कौन चीज़ें, स्टाइलिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, ऐसे व्यक्ति के पास ना कोई बीमारी आएगी, ना उसे असफलता मिलेगी, ना कभी उसका पतन होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जहाँ पर ये निवास पा सके। अर्थात बीमारी, असफलता और पतन जो है वहाँ रह नहीं सकता, निवास नहीं कर सकता है। हार्ड इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीट, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जहाँ पर पनप सके। कहाँ पर, जहाँ पर शुद्ध विश्वास होता है और विचारों पवित्रता होती है, वहीं पर ये तीनों चीज़ें रहती हैं। वहाँ पर ना बीमारी होती है, ना असफलता होती है और ना किसी का पतन होता है। प्लीज सी अगेन इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द लेसन, द राइटर्स हैज गिवन इम्फेसिस ऑन द स्टेलिंग फेथ एंड कंप्रोमाइजिंग प्योरिटी एंड ही सेज दैट वेयर देयर आर दीज थिंग्स हेल्थ सक्सेस एंड पावर लिव देयर। जहाँ पर चीज़ें होती हैं वहीं सफलता रहती है, वहीं शक्ति रहती, वहीं स्वास्थ्य रहता है। बिकॉज देयर इज नो एनी थिंग वेयर दे कैन फीड, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर पनप सके, वहाँ पर पनपेंगे ही नहीं, वहाँ पर ये पैदा ही नहीं होंगी। द सूनर वी रियलाइज एंड एग्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन अरारसिन, जितनी जल्दी हम एहसास कर लेंगे और स्वीकार कर लेंगे। रियलाइज माने एहसास करना, द सूनर माने जितनी जल्दी, वी रियलाइज माने हम एहसास करेंगे एंड एग्नॉलेज में स्वीकार कर लेंगे। क्या स्वीकार कर लेंगे, एहसास कर लेंगे, दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन अरारसिन, कि बीमारी हमारे स्वयं की गलती और पाप के परिणाम से होती है, पैदा होती है। जितनी जल्दी हम ये स्वीकार कर लेंगे और एहसास कर लेंगे कि बीमारी किस लिए आती है, हमारी गलतियों और पापों के परिणाम से आती है, द सुंदर मन उतनी जल्दी सेल वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी ही जल्दी हम स्वास्थ्य के राजमार्ग पर प्रवेश करेंगे। द सुनर सेल वी इंटर, हम प्रवेश करेंगे अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के राजमार्ग पर। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि हमें एहसास होना चाहिए, वी शुड रियलाइज एंड एग्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन अरारसिन, कि बीमारी हमारी स्वयं की गलतियों और पापों के परिणाम से होती है। एंड वी शुड रियलाइज इट, बिकॉज द सुनर वी शैल रियलाइज इट वी विल इंटर द हाईवे ऑफ हेल्थ, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी जल्दी हमें मान लेंगे कि बीमारियां अपनी गलती या पाप परिणाम होती हैं, उतनी जल्दी हम स्वस्थ बन जाएंगे, स्वास्थ्य के राजमार्ग पर प्रवेश करेंगे। डिजीज, बीमारी कम्स टू दोज, उनके पास आती है, हु अट्रैक्ट इट, जो इनको आकर्षित करते हैं। अर्थात जो स्वयं बीमार बना रहना चाहते हैं, बीमारी उन्हीं के पास आती है। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, बीमारी उनके पास आती हैं जो इन्हें आकर्षित करते हैं। टू दोज, उनके पास, दोज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, जिनके मन और शरीर इनके प्रति ग्राही होता, अर्थात इनको प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है। रिसेप्टिव में ग्राही अर्थात प्राप्त करने के तत्पर होता है। बीमारी उनके पास आती हैं जो बीमारियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। टू दोज, उनके पास आती हैं हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, जिनके शरीर और मन जो है उनको ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात जो मन से स्वतः ही बीमार अपने को मान लेते हैं एंड फ्लीस, और दूर भागती हैं, कि मैंने भागना फ्राम दोज, उन लोगों से हुज स्ट्रांग, जिनके पास मजबूत, प्योर माने शुद्ध एंड पॉजिटिव थाट स्पेयर होते हैं, जिनके पास शुद्ध, पवित्र,
ताकतवर अर्थात शक्तिशाली शुद्ध और पॉजिटिव थाट स्पेयर होते, पॉजिटिव विचार क्षेत्र होते हैं, सकारात्मक विचार क्षेत्र होते हैं, जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करने, क्योंकि स्ट्रांग प्योर एंड पॉजिटिव थाट स्पेयर्स जो होते हैं वे लाभप्रद और जीवन प्रदानी करंट पैदा करते हैं। प्लीज अगेन, डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्टेड, बीमारी उनके पास आती हैं जो इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, टू दोज हु माइंड्स हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, बीमारियाँ उनके पास आती हैं जिनके मन और शरीर उनको ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है, एंड फ्लीस फ्रॉम दोज और उनसे दूर भागती हैं हुज स्ट्रांग प्योर एंड पॉजिटिव थाट्स पेयर, जिनके पास मजबूत शुद्ध और सकारात्मक विचार क्षेत्र होते हैं और ये शुद्ध पवित्र और ताकतवर विचार क्षेत्र जो होते हैं जनरेट्स में पैदा करते हैं हीलिंग माने स्वास्थ्य, हीलिंग माने मजबूत करने वाली अर्थात एंड लाइफ गिविंग करेंट्स माने जीवन प्रदान करने वाली धाराएं पैदा करती हैं, अर्थात जिनके पास जो है मजबूत विचार होते हैं, पॉजिटिव थाट्स फेयर होते हैं, उनके पास जो स्वयं जो है एक सकारात्मक विचार पैदा होते रहते हैं और जीवन प्रदायनी थाट्स आते रहते हैं। प्लीज थर्ड पैराग्राफ, इफ यू आर गिवन टू एंगर वरी जेलसी एंड ग्रीट आर एनी अदर इनहारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, द राइटर सेज इन दिस पैराग्राफ, लेखक इस पैराग्राफ में कहता है इफ यू आर गिवन टू एंगर, यदि आपके पास हो क्रोध हो, यदि आपको प्रदान किया जाए, आपको दिया गया है, यू इफ यू आर गिवन पैसिव वॉइस है, इफ यू आर गिवन यदि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एंगर क्रोध, वरी चिंता, जेलसी ईर्ष्या, ग्रीड लालच, यदि आपके पास अर्थात कहना चाहता है यदि किसी व्यक्ति के पास गुस्सा चिंता ईर्ष्या भरी हुई है, लालच भरा हुआ है, आर एनी अदर इन हारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड या अन्य कोई असामंजस्यपूर्ण मस्तिष्क की दशा है, एंड एक्सपेक्ट और आशा करता है परफेक्ट फिजिकल हेल्थ पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप असंभव की आशा कर रहे हैं, फार क्योंकि यू आर कॉन्टिन्यूली सोविंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप लगातार सो कर रहे हैं, बो रहे हैं, कांट लगातार सोविंग बो रहे हैं, सो मैंने बोना होता है, एस ओ डब्ल्यू सो मैंने बोना, एस एच ओ डब्ल्यू सो मैंने दिखाना, एस ओ सो मैंने इसलिए, तीन सो होते हैं, तो यहाँ पर सो फन बोना है, बीज बोना, द सीड्स ऑफ डिजीज, बीमारी के बीज बो रहे हैं इन योर माइंड मैंने अपने मस्तिष्क में। प्लीज सी अगेन, इफ यू आर गिवन टू एंग्री वरी जेलसी ग्रीड आर एनी अदर इन हारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड, यदि आपके पास क्रोध है, चिंता है, ईर्ष्या है, लालच है या अन्य और इसी प्रकार की कोई असामंजस्यपूर्ण मस्तिष्क की दशा है, एंड एक्सपेक्ट और आप आशा करते हैं परफेक्ट फिजिकल हेल्थ की, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तब आप असंभव की आशा कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये चीज़ें होंगी वहाँ पर स्वस्थ बना रहना असंभव होगा, जिस व्यक्ति के पास ये चीज़ें पाई जाएंगी। डॉक्टर सेज हियर द एंगर वरी जेलसी ग्रीड एंड अदर इनहारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड लिव्ड इन द पर्सन ही कैन नॉट बी हेल्दी, जिस व्यक्ति के पास होंगी चीज़ें वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी हेल्दी ऑफ सच ए कंडीशन ऑफ ए मैन, मनुष्य की ऐसी दशा में उसको स्वस्थ रहना असंभव है, फार क्योंकि यू आर कॉन्टिन्यूली सोविंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप स्वयं जो है अपने मन में, अपने मस्तिष्क में बीमारी के बीज बो रहे होते हैं, लगातार बीमारी के बीज बो रहे होते हैं, सच कंडीशन ऑफ माइंड आर केयरफुली सेंडेड, मस्तिष्क की ऐसी दशा, कैसी दशा, क्रोध की अवस्था, चिंता कहने की अवस्था, ईर्ष्या कहने की अवस्था, लालच कहने की अवस्था, ऐसी दशाएं मस्तिष्क की आर केयरफुली सावधानी पूर्वक सन्नेड माने छोड़ दी जाती हैं, प्रत्याग दी जाती हैं बाय द वाइज मैन,
बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा। बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं इनको अपने गले नहीं लगा सकता है, अर्थात वो व्यक्ति जो है बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा अपने मस्तिष्क से इनको निकाल लेगा। किसको निकाल लेगा? चिंता को, क्रोध को, ईर्ष्या को और लालच को। फार ही नोज, क्योंकि वो जानता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है देम टू बी ए फार मोर डेंजरस देन ए बैड डेन आर इन्फेक्टेड हाउस, क्योंकि जानता है ये चीज़ें जो है उससे भी दिक्कत खतरनाक हैं, नुकसानदायक हैं, मोर डेंजरस हार्मफुल हैं। किससे? देन ए बैड ड्रेन माने गंदी नाली से, आर एन इन्फेक्टेड हाउस या किसी प्रदूषित मकान से, उस मकान से भी ज़्यादा ये इन्फेक्टेड हैं, नुकसानदायक है। जो प्रदूषित मकान, जो मकान प्रदूषित होता है या गंदी नाली से भी जो है ये चीज़ें डेंजरस होती, खतरनाक होती। If you would be free from all physical aches, please the next paragraph. If you, यदि तुम would be free, चाहते हो स्वतंत्र होना। If you would be free, यदि तुम स्वतंत्र होना चाहते हो from all physical aches and pains, सभी शारीरिक कष्टों और दर्दों से, aches and pains माने कष्ट और दर्द से, physical में शारीरिक, यदि आप सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों और दर्दों से मुक्त होना चाहते हो एंड वुड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी और इंजॉय करना चाहते हो, खुशी मनाना, आनंद लेना चाहते हो परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, पूर्ण शारीरिक सामंजस्य की, अर्थात पूर्ण शारीरिक स्वस्थता की, स्वस्थ होने की का जो है आप आनंद लेना चाहते हो, देन तब पुट योर माइंड इन ऑर्डर, क्या करना है? अपने मस्तिष्क को ऑर्डर में रखना है, व्यवस्थित करना है। देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तब अपने मस्तिष्क को ऑर्डर में रखना है, अर्थात मस्तिष्क पर कंट्रोल करना, मस्तिष्क को जो है अपने संयम में रखना है। एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों में सामंजस्य बनाए रखना है। लिस अगेन द राइटर सेज हियर इन दिस पैराग्राफ दैट इफ यू वांट टू बी फ्री फ्राम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेंस, यदि आप सभी प्रकार के सारे कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, यू वुड इंजॉय एंड वांट टू इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी और पूर्ण शारीरिक सामंजस्य का आनंद लेना चाहते हैं, देन यू शुड कीप योर माइंड इन ऑर्डर, तब अपने मस्तिष्क को आपको ऑर्डर में रखना, व्यवस्थित रखना है। एंड हार्मोनाइज योर थाट्स, एंड यू शुड ऑल्सो हार्मोनाइज योर थाट्स फेयर, और अपने विचारों क्षेत्र को भी सामंजस्य बनाए रखना है। क्या कहना है? थिंक जॉयफुल थॉट्स, सोचिए, क्या सोचना है? आनंदपूर्ण विचारों के बारे में सोचिए, अर्थात हमेशा जो है पॉजिटिव थॉट्स रखिए, हमेशा ब्राइट सीन देखिए दिन जिंदगी का, जो है एक प्रकाश प्रकाश की ओर, अर्थात जो है थिंक जॉयफुल थॉट्स माने हमेशा जॉयफुल थॉट्स सोचिए, हमेशा आनंदपूर्ण विचार आपके मन में होना चाहिए, हमेशा मन को आनंद में रखना, खुशी में रखना है। थिंक लविंग थाट्स, हमेशा प्रेम कहने वाले विचार के बारे में सोचना, विचार सोचना है। लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रो योर वेंस, लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल, अच्छाइयों का अमृत, कोर्स थ्रो योर वेंस, अपनी नसों में बहाइए, अर्थात अपनी नसों में, अपने शरीर की नस नस में जो है अच्छाइयों का अमृत बहने दीजिए। एलिक्सिर माने अमृत होता है, नेक्टर, NECTR, नेक्टर माने अमृत, एलिक्सिर माने अमृत, ELIXIR। तो देखिए प्लीज सी अगेन, थिंक जॉय, जस्ट यदि आपको स्वस्थ बने रहना है, सो द लेसन है, द राइटर है डिस्क्राइब हियर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, पहले पैराग्राफ में इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन द राइटर इज डिस्क्राइबिंग व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, कि स्वास्थ्य के क्या रहस्य होते हैं उसके बारे में बता रहा है, अर्थात हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं उसके बारे में बता रहा है, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। थिंक जॉयफुल थॉट्स, सबसे पहले हमें हमेशा अपने मन में जो है आनंदपूर्ण विचार सोचना है। थिंक लविंग थॉट्स, प्रेमपूर्ण विचार सोचना, अर्थात ऐसे विचार जो सबको प्रेम करना सिखाएं। लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेंस, अपने शरीर की नसों में, प्रत्येक नस नस में जो है अच्छाइयों का अमृत बहने दीजिए, अर्थात सबकी भलाई का कार्य सोचिए अपने विचारों में, अपने नसों में। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, तो आपको स्वस्थ रहने के लिए किसी दूसरी दवाई की आवश्यकता नहीं होगी। यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, तो आपको किसी अन्य दवाई की आवश्यकता नहीं होगी। पुट अवे योर जेलसीज,
अपनी ईर्ष्या को त्याग दीजिए, एक तरफ रख दीजिए। पुट अवे योर जेलसीज, अपनी ईर्ष्याओं को त्याग दीजिए। योर सस्पेशंस, मैंने अपने संदेहों को छोड़ दीजिए। सस्पेक्ट में संदेह का ना, सस्पेक्ट सस्पेक्टेड सस्पेक्टेड और सस्पेशन में संदेह होता, नाउन बना है सस्पेक्ट से, जेलसीज प्लूरल है जेलसी का। तो देखिए पुट अवे योर जेलसीज, अपनी ईर्ष्याओं को एक तरफ किए। योर सस्पेशन, अपने संदेहों को एक तरफ रख दीजिए। योर वरी, चिंताओं को दूर भगा दीजिए। योर हेटर्स, अपनी घृणा जो पैदा हुई लोगों पर जो है उसको भी अपने गले नहीं लगाना है। योर सेल्फिश इंडलजेंसेस, और अपनी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियाँ, सेल्फिश इंडलजेंस मैंने स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियाँ, स्वार्थपूर्ण आदतें जो तुम्हारी अटकल अपने बारे में सोचते हो, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हो, दूसरे के नहीं सोचते हो, तो ऐसी चीज़ें आपको छोड़ देना है। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, यदि आप ऐसा करने में समर्थ हो जाते हैं तो आप अपनी बदहजमी को दूर कर सकेंगे। डिस्पेप्सिया बदहजमी जो है, या पेट के दर्द कह सकते हैं। योर बिलियसनेस, अपने पित्त की बीमारी दूर कर सकोगे। योर नर्वसनेस, अपनी घबराहट को दूर कर सकोगे, चिंता को दूर कर सकोगे, क्योंकि ये जब जब छूट जाएंगे तो आपको घबराहट स्वतः खत्म हो जाएगी, आप चिंता करना बंद कर देंगे। एंड एकिंग ज्वाइंट्स, अब जोड़ों का दर्द भी मुक्त हो जाएगा। अर्थात ईर्ष्या, संदेह, ईर्ष्या दूसरों पर संदेह करना, अपनी चिंताओं और अपनी घृणा को जो छोड़ दोगे तो आप पूर्णतः स्वस्थ बन जाओगे, क्योंकि आप जो है इससे जो है आप बदहजमी से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि चिंता में आदमी पड़ा रहता है, उसका भोजन नहीं पचता है। योर बिलियसनेस, आपका पित्त की बीमारी नहीं होगी, घबराहट दूर हो जाएगी और जोड़ों का दर्द भी कभी नहीं होगा। इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज डेबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, यदि आप चिपको रहोगे, अर्थात आप चिपके रहोगे, अर्थात इनसे लगे रहोगे, इन क्लिंगिंग मन चिपके रहोगे हमेशा लगातार, यदि हमेशा आप चिपके रहेंगे टू दोज इन चीज़ों से, अर्थात ईर्ष्या घृणा क्रोध से, डेबिलिटेटिंग मैंने कमज़ोर करने वाली, एंड डिमोरलाइजिंग मैंने नैतिक पतन करने वाली हैबिट्स ऑफ माइंड से, यदि आप हमेशा जो है इन मस्तिष्क की ऐसी आदतों से जो आपको डिमोरलाइज करती हैं, नैतिक पतन करती हैं और आपके मन को कमज़ोर करती हैं, इनसे चिपके रहोगे, इनसे सटे रहोगे, अर्थात अपने दिल से लगाए रखोगे अपने शरीर से, देन डू नॉट कंप्लेन, तब शिकायत ना करना। When your body is laid low with sickness, जब आपका शरीर जो है कमजोरी से बीमार पड़ जाए, When your body is laid low with sickness, अर्थात जब आपका शरीर जो है बीमारी से कमज़ोर पड़ जाए, तो हमको कोई शिकायत ना कहना। अर्थात राइटर सलाह दे रहा है, उसकी सलाह मानिए, अगर सलाह नहीं मानते हो तो आपका शरीर जब कमज़ोर हो जाएगा तो लेखक को शिकायत ना करें। मैनी पीपल कंप्लेन, बहुत से लोग शिकायत करते हैं, दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, कि वो कमज़ोर हो गए हैं। दे हैव ब्रोकन डाउन, ब्रीक डाउन कमज़ोर होना, बीमार होना, थ्रू ओवरवर्क मैंने बहुत अधिक कार्य करने से, थ्रू ओवरवर्क से बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, वे बहुत अधिक कार्य करने से कमज़ोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे बहुत से मामलों में द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेज एनर्जी, ये बीमारी इसलिए होती है, कमजोरी इसलिए होती है, प्रायः परिणाम होती किसकी परिणाम, फूलिशली वेस्टेड एनर्जी, मूर्खतापूर्ण ढंग से अपनी ऊर्जा का अपव्यय करने से होती है। ये कमजोरी आती किस लिए, क्योंकि आप मूर्खतापूर्ण ढंग से अपनी ऊर्जा का अपव्यय करते रहते हैं, ना कि ओवरवर्क से आती है। बहुत अधिक कार्य करने से कमजोरी नहीं आती है, बल्कि अपनी ऊर्जा का अपव्यय करते रहते हैं मूर्खतापूर्ण ढंग से, इसलिए बीमारी आती है। इसलिए अगेन मैनी पीपल कंप्लेन, बहुत से लोग शिकायत करते हैं, दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, कि वह बहुत अधिक ओवरवर्क करने के कारण कमज़ोर हो गए या बीमार हो गए। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, द ऑथर सेज हियर, कि ऐसे मामले में बहुत से मामले होते हैं, द ब्रेकडाउन इस कमजोरी की किसके परिणाम होते हैं, इज मोर फ्रिक्वेंटली प्रायः, फ्रिक्वेंट प्रायः, आपने मन प्रायः, OFTN आपने मन प्रायः, फ्रिक्वेंटली मन प्रायः,
तो प्रायः होते हैं, किस लिए? द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा का मूर्तापूर्ण ढंग से बर्बाद किया है, इसलिए कमजोरी आती है। अर्थात यदि हमें स्वस्थ रहना है ओवर, तो हमें कैसे काम करना है सीखना पड़ेगा कि कैसे अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है। ओवरवर्क के कारण कोई नहीं थकता है, बल्कि जो है अपनी ऊर्जा का अपव्यय करने से थकता है, अपने ऊर्जा का अपव्यय करने से कमजोर होता है, ब्रेकडाउन आती है। इफ़ यू सिक्योर हेल्थ, यदि आपको अपने स्वास्थ्य को सिक्योर करना है, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है, यू मस्ट लर्न, तो आपको सीखना चाहिए, अवश्य सीखना चाहिए। मस्ट का प्रयोग है, यू मस्ट लर्न, आपको अवश्य सीखना चाहिए। क्या? टू वर्क, कार्य करना विदाउट फ्रिक्शन, बगैर चिंता के। यदि आपको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो आपको बगैर चिंता के कार्य करना सीखना होगा, फ्रिक्शन में चिंता। टू बिकम एनेक्सस आर एक्साइटेड, चिंतित हो जाना या उत्तेजित हो जाना, आर टू वरी या चिंता करना, ओवर नीडलेस डिटेल्स, अनावश्यक चीज़ों पर, इज टू इन्वाइट ए ब्रेकडाउन, अपनी बीमारी को निमंत्रण देना है। यदि आप उत्तेजित होकर कार्य करेंगे या चिंतित होकर काम करेंगे, कोई चीज़ जो है करेंगे, तो अनावश्यक बातों पर चिंता करेंगे, काम कर रहे हैं चिंता के, पता नहीं काम हो जब पाए ना हो पाए, ऐसी चिंता करते हैं, तो इज टू इन्वाइट ए ब्रेकडाउन, तो आप बीमारी को निमंत्रण दे रहे होते हैं। डॉक्टर सेड हियर दैट वी शुड नॉट वरी अबाउट आवर वर्क, वी शुड लर्न हाउ टू कंप्लीट आवर वर्क, हमें कैसे अपना कार्य पूरा करने सीखना है। वर्क, कार्य, वेदर आप ब्रेन आर बॉडी, चाहे कार्य वो ब्रेन का हो या बॉडी का हो, ब्रेन मन मस्तिष्क का कार्य हो या शरीर का कार्य हो, दोनों प्रकार के कार्य, अर्थात बहुत से कार्य मस्तिष्क की या दिमाग से आते हैं, बहुत से कार्य करने हमको शरीर लगाना पड़ता है, तो कार्य दोनों प्रकार के कार्यों में कार्य होते हैं, इज बेनिफिशियल, लाभदायक होते हैं, इज बेनिफिशियल में लाभदायक होते हैं, एंड हेल्थ गिविंग, स्वास्थ्य प्रदायनी होते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करने वाले होते हैं। अर्थात हम जो भी कार्य करेंगे उससे हम स्वस्थ बनते हैं, चाहे कार्य मस्तिष्क का हो चाहे शरीर का हो। एंड द मैन, और वो आदमी, हु कैन वर्क विद द स्टडी, जो लगातार कार्य कर सकता है, एंड काम परसिस्टेंसी, और लगातार शांत रह करके काम कर सकता है, काम परसिस्टेंस लगातार शांत रह करके, देखिए, एंड हेल्थ गिविंग, एंड द मैन, और वो आदमी, हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, और वो आदमी जो लगातार शांत रह के काम करता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एनेक्साइटी एंड वरी, सभी चिंताओं और एनेक्साइटी दुखों से मुक्त होता, फ्रीड ऑल एनेक्साइटी एंड वरी, सभी प्रकार की चिंताओं से और ईर्ष्या से मुक्त होता है। एनेक्साइटी एंड वरी एक ही शब्द है, चिंता होता है, इसका अर्थ जो है एनेक्साइटी लगातार बना रहता है, वरी चिंता होता है, तो लगातार बना रहने चिंता से मुक्त होते हैं। एंड विद हिज माइंड अटली ऑब्लियस टू ऑल, और अपने मन मस्तिष्क में पूर्ण रूप से भूल जाती है, अटली में पूर्ण रूप से, ऑब्लियस में भूल जाना, टू ऑल सब कुछ भूल जाते हैं, बल्कि क्या याद रखते हैं, बट द वर्क ही हैज इन हैंड, बल्कि उस कार्य के बारे में याद रखते हैं जो कार्य उनके हाथ में होता है। प्लीज सी अगेन, यहाँ से देख लीजिए फिर से, वर्क वेदर आर आप ब्रेन आर बॉडी, कार्य चाहे मस्तिष्क का हो या शरीर का हो, इज बेनिफिशियल माने लाभदायक होता है, एंड हेल्थ गिविंग स्वास्थ्य प्रदानी होता, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, और जो व्यक्ति जो है लगातार मन मस्तिष्क शांत रख के काम करता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जायटी एंड वरी, सभी प्रकार की चिंताओं से दुखों से मुक्त होता है, एंड विद हिज माइंड अटली ऑब्लिवियस टू ऑल, और अपने मस्तिष्क में सब कुछ भुला देता है, पूर्ण रूप से भुला देता है, क्या भुला देता है, सब कुछ भुला देता है, और क्या याद रखता है, टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन हैंड, बल्कि उसको याद रखता है जो कार्य उसके मन में होता है, जो कार्य उसके हाथ में होता था, जो कार्य कर रहा होता है, उसके अलावा सब कुछ भूल जाता है। विल नॉट ओनली एकम्प्लिश हार मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एनेक्सियस, विल नॉट ऑनली एकम्प्लिश, वो केवल पूरा ही नहीं करता है, फार कार्य पूरा नहीं करता, फार मोर देन उनके पेक्षा, द मैन उन व्यक्तियों पेक्षा, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एनेक्सियस,
जो हमेशा जल्दी में रहते हैं, आपाधापी में रहते हैं और चिंतित रहते हैं, उनके अपेक्षा न केवल कार्य पूरा करता है बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वो अपने स्वास्थ्य को भी कायम रखता है। अपूर्ण और स्वस्थ स्वास्थ्य क्या है? एक ऐसा वरदान है विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जिसको अन्य लोग जल्दी से खो देते। देखिए फिर से देख लीजिए यहाँ पर, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि अपने स्वास्थ्य बना रखता है। अपूर्ण और स्वस्थ स्वास्थ्य जो होता है एक वरदान होता है, ईश्वर दिया हुआ वरदान होता है। गुण वरदान, ब्लेसिंग मन वरदान, बी एल ईड ब्लेस आई एन जी, ब्लेसिंग मन वरदान, गुण मन वरदान, इसका कुछ कर्ज हो जाएगा, कर्ज या बेन, बेन माने अभिशाप, कर्ज माने अभिशाप, अभिशाप कर्ज, सी यू आर एस, कर्ज माने अभिशाप हो गया, पुंज बनेगा, और बी ए यानी बेन, इसका पुंज बनेगा। फिच द अदर क्विकली फार पीट्स, जो अन्य लोग जल्दी से खो देते हैं। अन्य कौन लोग? वह लोग जो जल्दी में आपाधापी में चिंता में कार्य करते हैं, वो ना केवल अपने कार्य को अच्छी तरह संपन्न कर पाते हैं, अर्थात कार्य नहीं संपन्न कर पाते हैं अपनी अच्छी तरह से, बल्कि जो है अपने स्वास्थ्य की भी खो देते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो कार्य को मन लगा के करता है, केवल एक कार्य करता है उस समय उसी कार्य को याद रखता है, सभी कार्य भूल जाता है, वो ना केवल अपने अपना कार्य सही ढंग से पूर्ण कर पाता है, पूर्ण कर पाता है, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकता है। एंड हेल्थ इज ए बून, और स्वास्थ्य एक वरदान होता है, और वही व्यक्ति बनाए रख सकता है जो सब कुछ भूल करके केवल वही कार्य को याद रखता है जो उसके हाथ में होता है। आई स्टॉप हियर, दैट विल बी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में और दूसरा होगा, क्योंकि अब काफ़ी बड़ा हो गया है हम लोग, आप लोग इसको एक वीडियो एक पार्ट में पढ़ लीजिए, फिर अगला पार्ट में जो है अन्य पैराग्राफ पढ़ेंगे हम लोग। धन्यवाद।